हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 का रसायन विज्ञान। चैप्टर नंबर 3 है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण तथा गुण धर्मों में आवर्तिता, और यह लेक्चर नंबर 3 होगा। पिछले लेक्चर में हमने आपको मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में बताया है, उसके गुण तथा दोषों दोनों के बारे में बता दिया हूँ। आज हम लोग सीखेंगे दीर्घाकार आवर्त सारणी क्या है, इसके गुण क्या हैं, इसके दोष क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं। और इस वीडियो में हम आपको दीर्घाकार आवर्त सारणी याद करने की लर्निंग ट्रिक भी देने वाले हैं, किस तरह से आसानी से दीर्घाकार आवर्त सारणी को याद किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें शामिल होंगी आज की वीडियो में। देखें, दीर्घाकार आवर्त सारणी, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल। तो सबसे पहले आप जान लो कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल यानी दीर्घाकार आवर्त सारणी को बोर की आवर्त सारणी भी कहते हैं, और दीर्घाकार आवर्त सारणी की रचना आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर हुई है। और आधुनिक आवर्त नियम क्या है, इसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बता भी दिया है, यहाँ फिर से बता दे रहा हूँ। चूँकि मेंडलीव ने जब अपनी आवर्त सारणी बनाई थी तो वहाँ उन्होंने तत्वों के परमाणु भारों को आधार माना और परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में अपनी आवर्त सारणी बनाई, लेकिन दीर्घाकार आवर्त सारणी परमाणु क्रमांकों को आधार मान के की गई। और आधुनिक आवर्त नियम यह है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ये नियम मैंने आपको पहले बता दिया है। अब हम लोग देखेंगे कि दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषताएं क्या हैं। तो विशेषताओं पे हम लोग चलते हैं। तो चलो बच्चों, आप देखो, ये हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषताएं। इनके कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट्स दिए हुए हैं हमने। देखो, आप पॉइंट वाइज दिया है, इनको आप चाहें तो नंबरिंग भी कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4। देखें पहला पॉइंट क्या है, आधुनिक आवर्त नियम सन 1913 में मोजले ने दिया, और इस आवर्त नियम के कारण ही दीर्घाकार आवर्त सारणी की संरचना संभव हो सकी, क्योंकि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में सजाया गया। दीर्घाकार आवर्त सारणी की रचना आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर कई वैज्ञानिकों ने मिलकर किया, इसे बोर की आवर्त सारणी कहते हैं। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी की रचना किसी भी एक वैज्ञानिक ने नहीं की, बल्कि इसमें कई वैज्ञानिकों का सहयोग रहा। और किस आधार पर हुआ है, आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर हुआ, आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर। और इस आवर्त सारणी को बोर की आवर्त सारणी भी कहते हैं, बोर अर्थात नील्स बोर। देखिए अगला पॉइंट क्या है, इस आवर्त सारणी में समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों को एक साथ रखा गया है। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी में जितने भी समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व हैं उनको एक साथ रखा गया है, और ये हम लोग जानते हैं कि समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों के गुण भी समान होते हैं। अगले पॉइंट को देखो आप, इस आवर्त सारणी में कुल 18 ऊर्ध्व कॉलम हैं, कुल 18 ऊर्ध्व कॉलम हैं, वर्टिकल लाइंस हैं। इनको क्या कहते हैं, वर्ग या समूह, या अंग्रेजी में बोले तो ग्रुप्स कहते हैं। तो कुल 18 ऊर्ध्व कॉलम, जिनको हम ग्रुप्स कहते हैं या वर्ग कहें या फिर समूह कहें। नेक्स्ट पॉइंट को देखो आप, इस आवर्त सारणी में कुल 7 क्षैतिज खाने हैं। इस नंबर को याद रखना है, ये 18 ऊर्ध्व कॉलम और 7 क्षैतिज खाने हैं। क्षैतिज खाने अर्थात हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो ये 7 क्षैतिज खाने हैं, इन खानों को आवर्त या पीरियड्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो आप, इस आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में रखा गया है। तत्वों को उन्हीं के बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के क्रम में रखा गया, यहाँ हम क्रमांकों कर दे रहे हैं, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के क्रम में रख दिया गया है। अगला पॉइंट देखो आप, इस आवर्त सारणी में समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों को एक साथ रखा गया है। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी में जितने भी एक समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व हैं उनको साथ साथ रखा गया, हालांकि इससे कुछ विसंगतियां भी पैदा हुई हैं, जिनको हम आवर्त सारणी में दिखा के बताएंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो आप, दीर्घाकार आवर्त सारणी को 4 खंडों में बांट दिया गया है, 4 ब्लॉकों में बांटा गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो ये है दीर्घाकार आवर्त सारणी की मुख्य विशेषताएं। अब हम आवर्त सारणी बनाने जा रहे हैं, और इसके बाद ये बताएंगे कि इस आवर्त सारणी को याद करने के लिए लर्निंग ट्रिक क्या है,
किस विधि से आप आसानी से आवर्त सारणी को याद कर सकते हैं, क्योंकि आवर्त सारणी इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इतनी महत्वपूर्ण टॉपिक है कि आप अगर आवर्त सारणी ठीक तरह से याद कर लेते हैं तो पूरे केमिस्ट्री में, पूरे रसायन विज्ञान में आपको कई बार सहूलियत होगी, कई चीज़ें आसान हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो इसको याद करना तो बहुत ज़रूरी है। तो चलो हम बनाते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी को। तो चलो स्टूडेंट्स, अब हम दीर्घाकार आवर्त सारणी को बनाएंगे और इसके तत्वों के बारे में बताएंगे भी। यहाँ डिवीज़न को जो एस पी डी और एफ ब्लॉक डिवीज़न है वो भी स्पष्ट करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम ये बता दें कि कुल 18 ऊर्ध्व कॉलम हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी में, जिनको हम ग्रुप्स कहते हैं, वर्ग या समूह या ग्रुप्स। ये कुल कॉलम है 18। तो सबसे पहले हम बना दे रहे हैं एस ब्लॉक के तत्वों को और इसके आगे 10 और खाने बनाएंगे और इन 10 खानों में हम डी ब्लॉक के तत्वों को भरेंगे। इस दिशा में हम पी ब्लॉक के तत्वों को रखेंगे। सबसे पहले देखो आप, ये जो दो ऊर्ध्व कॉलम्स हैं ग्रुप संख्या 1 और 2, चूंकि 1 से लेकर 18 तक के समूह हैं, और इधर की बात करें तो इधर पीरियड्स या आवर्त हैं, इधर आवर्त दिखाए गए हैं। तो ये है पीरियड नंबर फर्स्ट, ये हो जाएगा पीरियड नंबर सेकेंड या थर्ड, यहाँ पीरियड फोर्थ बनाएंगे, ये फिफ्थ बनाएंगे, ये सिक्स्थ बनाएंगे और ये पीरियड नंबर सेवन्थ बनाएंगे। इस तरह से हम दीर्घाकार आवर्त सारणी को बना रहे हैं। समूह संख्या 1 में क्षार धातुएं रखी गई हैं, एल्कली मेटल्स, और उनमें हाइड्रोजन, हालांकि यह तो धातु नहीं है, अधातु है और यहाँ अपवाद भी है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में अभी हम बताएंगे। हाइड्रोजन, इसके बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। प्रथम समूह में इन क्षार धातुओं को रखा गया और दूसरे समूह में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, इन सारे तत्वों को रखा गया। और दूसरे समूह के इन तत्वों को क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्योंकि ये अल्कली बनाने के काम आती हैं, क्षार बनाने के काम आती हैं और अधिकांशतः मृदा की सतह में ही उपस्थित होती हैं, तो इसीलिए इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट सेकेंड, इसके बाद नंबर आएगा ग्रुप थर्ड का, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन और ट्वेल्व। तो 3 से 12 तक कुल 10 ऊर्ध्व कॉलम होंगे या डी ब्लॉक के लिए होंगे। यहाँ 10 ऊर्ध्व कॉलम होंगे डी ब्लॉक के तत्वों के लिए और इन क्षैतिज कॉलम को हम आगे बढ़ा लेते हैं। ये हमारे क्षैतिज खाने हो गए। अब आप आगे आ जाओ एस ब्लॉक के बाद। देखो, समूह फर्स्ट और सेकेंड के तत्वों को एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ये तत्व हैं एस ब्लॉक के तत्व, प्रथम और द्वितीय समूह के तत्वों को मिलाकर एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एस उपकोष में पूरा होता है, इसलिए इनको एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। एस ब्लॉक के बाद नंबर आता है पी ब्लॉक के तत्वों का। तो ये पूरा स्पेस जो दिख रहा है यह पी ब्लॉक के तत्वों के लिए है, इसमें पी ब्लॉक के तत्व आएंगे। और पी ब्लॉक के तत्व समूह संख्या 13, 14, 15, 16, 17 और 18। 13 से 18 तक के समूह के तत्व पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पी उपकोष में पूरा होता है। तो ऊर्ध्व कॉलम बना दे रहे हैं हम,
13 के लिए, 14 के तत्वों के लिए, 15 वर्ग के तत्वों के लिए, वर्ग 16 के तत्वों के लिए और वर्ग 17 के तत्वों के लिए ये 36 पंक्तियाँ हो गई। ठीक है, अब हम लोगों ने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और इन इस स्पेस को समूह संख्या 3 से लेके 12 तक के जो तत्व हैं इनको डी ब्लॉक के तत्व कहेंगे। आप यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक पी ब्लॉक है और यहाँ से शुरू होकर डी ब्लॉक के तत्व हैं 3 से लेकर के 12 तक। तो पहले पी ब्लॉक के तत्वों को हम भरने जा रहे हैं। अब देखो, समूह संख्या 13 में सबसे पहले बोरान आता है और इसे बोरान फैमिली के तत्व, इस समूह के तत्वों को बोरान फैमिली, बोरान परिवार के सदस्य कहते हैं। बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है, तो ये समूह संख्या 13 के तत्व हैं। अब आप देखो, समूह संख्या 14 में जब हम आएंगे तो यहाँ हम पाएंगे कि कार्बन सबसे ऊपर है और इस पूरे वर्ग के तत्वों को कार्बन परिवार के, कार्बन फैमिली के तत्व कहते हैं। तो तत्वों को हम भर दे रहे हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीना और लेड, पीबी, और टीना के लिए एसएन है, सॉरी, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। फिर आते हैं ग्रुप नंबर 15 पे। ग्रुप नंबर 15 में जो प्रथम सदस्य है वह है नाइट्रोजन और इस वर्ग के तत्वों को नाइट्रोजन परिवार के तत्व या नाइट्रोजन फैमिली के तत्व कहते हैं। तो यहाँ देखो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और विस्मत। तो नाइट्रोजन परिवार में कौन कौन से तत्व हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, विस्मत। अगले समूह पे आ जाते हैं, 16वें समूह पे। इसमें जो पहला सदस्य है वह ऑक्सीजन, इसलिए इस समूह के तत्वों को ऑक्सीजन फैमिली के तत्व कहते हैं। और देखिए शेष सारे तत्व क्या हैं, ऑक्सीजन के बाद है सल्फर, इसके बाद सिलेनियम, इसके बाद टेल्यूरियम और पोलोनियम। ठीक है, ग्रुप संख्या 17 में आप देखें, ग्रुप संख्या 17 में प्रथम सदस्य फ्लोरीन आता है, फ्लोरीन, और इस समूह के तत्वों को फ्लोरीन परिवार के तत्व कहते हैं। बाकी सदस्य आप देखें, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। तो इस समूह में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन है। अब बच जाता है समूह संख्या 18 और समूह संख्या 18 में जितने भी नोबल गैसेज हैं, अक्रिय गैसें, इनको रखा गया है। तो समूह संख्या 18 में आप देखें, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन, ये हैं अक्रिय गैसें और इनको समूह संख्या 18 में रखा गया है। अब हम आ जाते हैं डी ब्लॉक के तत्वों पर कि डी ब्लॉक में कौन कौन से तत्व रखे गए हैं। तो यहाँ आप देखें, स्कैंडियम, एट्रियम, लेंथानम और एक्टिनियम। लेंथानम को हम हाईलाइट करेंगे, यह है लेंथानम, और एक्टिनियम को भी हाईलाइट करेंगे। ठीक है, तो समूह संख्या 3 में डी ब्लॉक में स्कैंडियम, एट्रियम, लेंथानम और एक्टिनियम रखे गए हैं। अब हम आ जाते हैं ग्रुप संख्या 4 पे। समूह 4 में कौन कौन से तत्व रखे गए हैं? तो आप यहाँ देखें, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम और रदरफोर्डियम। तो समूह संख्या 4 में टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम और रदरफोर्डियम ये एलिमेंट रखे गए हैं। समूह संख्या 5 में आ जा रहे हैं, वेनेडियम, नायोबियम, टेंटालम, ये एलिमेंट्स रखे गए हैं। आगे के नीचे वाले एलिमेंट्स इनको हम नहीं भरेंगे क्योंकि जब हम परमाणु क्रमांक 100 पार कर जाते हैं तो 100 पार के बाद जो भी एलिमेंट्स आएंगे उनको IUPAC द्वारा उनका प्रतीक भी बनाया जा सकता है और उनका नामकरण भी किया जा सकता है IUPAC के नियम के अनुसार। ग्रुप संख्या 6 में हम आ जा रहे हैं। ग्रुप संख्या 6 में क्रोमियम, मॉलिब्डेनम,
टंगस्टन ये एलिमेंट रखे गए हैं। ग्रुप संख्या सात में आ जाएं तो ग्रुप संख्या सात में हम देखेंगे मैग्नीज, टेक्नीशियम, रेनियम। ग्रुप संख्या आठ में आप देखो मैग्नीज के बाद नंबर आता है आयरन का, आयरन, रूथेनियम और आस्मियम ये एलिमेंट्स रखे गए हैं। ग्रुप संख्या नौ में आ जाएं तो कोबाल्ट, रोडियम और इरिडियम ये सारे तत्व रखे गए। अगले ग्रुप में दसवें समूह में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं निकिल, पैलेडियम और प्लेटिनम। ग्यारहवें समूह में कापर, सिल्वर, गोल्ड और बारहवें समूह में हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी। तो ये हैं हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है। बाकी नीचे दो और क्षैतिज खाने आते हैं जिनमें 14-14 एलिमेंट्स हैं और वो दो खाने बॉटम में तो बनाए गए हैं, तली में बनाए गए, लेकिन वास्तव में इनका स्थान यहाँ नहीं है। जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एफ उपकोष में पूर्ण होता है और इनको एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं, इनके लिए आवर्त सारणी में अलग से स्थान देना पड़ा, इनको बॉटम में बनाया गया है। इनको हम बाद में बनाएंगे क्योंकि इनको याद करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना इन सारे एलिमेंट्स को याद करना महत्वपूर्ण है। तो हम यहाँ दिखा दे रहे हैं कि लर्निंग ट्रिक क्या है और किस तरह से आप दीर्घाकार आवर्त सारणी को याद कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले देखो आप बता दे रहे हैं ये समूह संख्या एक और दो के तत्वों को हम लोग एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं और हमने पहले ही बता दिया है कि एक के तत्वों को अल्कली मेटल्स कहते हैं, क्षार धातुएं, ये हैं क्षार धातुएं, क्षार धातुएं। और समूह संख्या दो के तत्वों को कहते हैं क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, ठीक है। डी ब्लॉक के पूरे तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। और यहाँ आप ध्यान दो तीसरे आवर्त के तत्वों को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, प्रतिनिधि तत्व कहते हैं, क्योंकि ये अपने समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो तीसरे आवर्त के तत्वों को प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। तो ठीक है आप आ जाओ, यहाँ हम लर्निंग ट्रिक बता दे रहे हैं, लेकिन उसके पहले एक चीज़ और बताना है। आप देखो ये जो 18 जो उर्दू कालम हैं इनको शुरुआत में दूसरे नामों से जाना गया था, दूसरे नाम दिए गए थे। जैसे देखो पहले समूह को फर्स्ट ए, दूसरे समूह को सेकेंड ए कहा गया था। इसके बाद आ जाओ इधर 13वें समूह को थर्ड ए, फिर इसी तरह क्रम से 14वें को फोर्थ ए, 15वें को फिफ्थ ए, 16वें को सिक्स्थ ए, 17वें को सेवेंथ ए और 18वें को शून्य समूह नाम दिया गया था। ऐसा पहले किया गया था लेकिन बाद में IUPAC के संशोधन हुए जिनमें इनको 1, 2, 3 से 18 तक के नंबर दिए गए। अब देखें समूह संख्या 11 को फर्स्ट बी, 12 को सेकेंड बी, इसी तरह समूह संख्या 3 को थर्ड बी, 4 को फोर्थ बी, 5 को फिफ्थ बी, 6 को सिक्स्थ बी, 7 को सेवेंथ बी और समूह संख्या 8, 9 और 10 के तत्वों को 8th समूह के तत्व कहा गया, 8वें समूह के तत्व पहले कहा गया था लेकिन बाद में इन सारी चीज़ों को हटा दिया गया। बाद में समूह संख्या 1 से लेके 18 तक नाम दे दिए गए इन सारे तत्वों के कालम के लिए। अब आप आ जाओ लर्निंग ट्रिक हम बता रहे हैं किस तरह से इस आवर्त सारणी को आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं एस ब्लॉक में, आप चलो एस ब्लॉक में आ जाओ, कुछ लर्निंग ट्रिक्स हैं। और एस ब्लॉक में दो ही वर्ग हैं फर्स्ट और सेकेंड, प्रथम और द्वितीय आवर्त के, सॉरी प्रथम और द्वितीय वर्ग के तत्व हैं। तो आप देखो फर्स्ट ग्रुप के लिए क्या नाम देंगे,
फर्स्ट ग्रुप के लिए जो ट्रिक है याद करने का, हाई ली सो पो रूबी सिप्रा सिफ्रा सिफ्रा। प्रथम समूह के तत्वों के लिए ये कोडिंग है हाइली सोपो रूबी सिफ्रा, और इस कोड को आप याद रखते हैं तो ये प्रथम समूह के तत्व याद रख सकते हैं। देखें, हाई से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, सो से सोडियम, पो से पोटेशियम, रूबी से रूबीडियम, सी से सीजियम और फ्रा से फ्रांसियम। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये प्रथम समूह के तत्वों के लिए एक कोड बनाया गया है। और दूसरे समूह के, दूसरे ग्रुप के तत्वों की बात करें तो सेकेंड ग्रुप के तत्वों के लिए आप कोडिंग कर सकते हो। देखो, बेरी, मैग, का, स्ट्रा, बारा, बेरी मैग का स्ट्रा बारा कैसे है? देखो, बेरी से बेरिलियम, मैग से मैग्नीशियम, का से कैल्शियम, स्ट्रा से स्ट्रांसियम, बा से बेरियम और रा से रेडियम। देखो आप यहाँ, बेरी मैग का स्ट्रा बारा, ये देखो ये रेडियम है, यहाँ गलती हो गई है, इसके लिए माफी चाहते हैं हम, ये रेडियम है, ठीक ना, बेरी मैग का स्ट्रा बारा। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं, और ये दूसरे समूह के लिए अगर आप इस ट्रिक को याद कर लें तो दूसरे समूह के तत्वों को आसानी से इजली भर सकते हैं। तो ये एस ब्लॉक के एलिमेंट और उनके लिए ये कोडिंग हो गई। हम बता दे रहे हैं अब पी ब्लॉक के तत्वों को कैसे याद करें। तो यहाँ बना दे रहे हैं पी ब्लॉक, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, और पी ब्लॉक में ग्रुप संख्या 13 पहले है, तो ग्रुप संख्या 13 के लिए बता दे रहा हूँ कोडिंग क्या है। 13 ग्रुप के लिए बोरा, बोरान चुकी है, बोरा, अलगा, इंडी, थैली, इसके लिए कोडिंग है बोरा, अलगा, इंडी, थैली, ठीक है। बोरा से बोरान, अलगा से, अल से एल्युमिनियम, गा से गैलियम, देखो आप, अल से एल्युमिनियम, गा से गैलियम, इसके बाद इंडियम और थैलियम, बोरा, अलगा, इंडी, थैली, ये 13वें समूह के तत्वों के लिए कोडिंग हो गए। इसके बाद आ जाते हैं समूह संख्या 14 पर, और समूह संख्या 14 के तत्वों के लिए कोडिंग है कार, सिलीजर, टीना, लेड। कार, सिलीजर, कार, कार से कार्बन, सिली से सिलिकॉन, जर से जर्मेनियम, टीना से टीन है ही है, और ये लेड, कार, सिलीजर, टीना, लेड, कार, सिली, जर, टीना, लेड, ये है समूह संख्या 14 के तत्वों के लिए कोडिंग। समूह संख्या 15 के तत्वों के लिए कोडिंग बता दे रहा हूं। देखो आप यहां, नाइफो, आरसी, एनटी, बिस, नाइफो, आरसी, एनटी, बिस, नाई से नाइट्रोजन, फो से फास्फोरस, आरसी से आर्सेनिक, एनटी से एंटीमनी, बिस से बिस्मत। तो ये नाइफो, आरसी, एनटी, बिस, नाइफो, आरसी, एनटी, बिस, ये है समूह संख्या 15 के तत्वों के लिए कोड। समूह संख्या 16 के तत्वों की बात करें तो इनके लिए भी कोड लिख सकते हैं आप। देखो, ऑक्सी, सल से टेलु, पोलो, ऑक्सी ऑक्सीजन हो गया, सल से सल्फर, से सिलेनियम, टेलु से टेलुरियम और पोलो से पोलोनियम। तो इसके लिए कोडिंग है ऑक्सी, सल से टेलु, पोलो। ग्रुप संख्या 16 के लिए हम लिख दें ऑक्सी, सल से टेल्यू, पोलो। बहुत इजी इजी लाइनें हैं,
आपको थोड़ा सा वर्क करना है, थोड़ा सा वर्क करेंगे, एक दो दिन प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी, और एक बार याद हो गई तो आप बहुत इजीली इस पीरियडिक टेबल को लिख सकते हो। ग्रुप संख्या 16 पे 16 का लिख दिए हैं, 17 पे आ जा रहे हैं। ग्रुप संख्या 17 में ये हैलोजन तत्व हैं, तो यहाँ देखो ग्रुप संख्या 17 के तत्वों को हैलोजन तत्व कहते हैं, ग्रुप संख्या 16 के तत्वों को चालकोजन तत्व भी कहते हैं। तो ग्रुप संख्या 16 के लिए लर्निंग ट्रिक है फ्लो क्लो ब्रो आ एस्टेटिन, फ्लो क्लो ब्रो आ एस्टेटिन, फ्लो से फ्लोरीन, क्लो से क्लोरीन, ब्रो से ब्रोमीन, आ से आयोडीन, एस्टेटिन, ठीक है। तो समूह संख्या 17 के लिए लिख दे रहे हैं फ्लो क्लो ब्रो आ एस्टेटिन, फ्लो क्लो ब्रो आ एस्टेटिन। इसी तरह आप आ जाओ, ये जो हमारे अक्रिय गैसें हैं इनके लिए हम क्या कोडिंग बनाएंगे, ये नोबल गैसेज या इनर्ट गैसेज हैं और इनके लिए कोडिंग है हनी अक्सर, हनी अक्सर। और हनी अक्सर कहें ये जीरो समूह के लिए, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ शून्य समूह के लिए, जीरो ग्रुप, जीरो ग्रुप के लिए हम लिख दे रहे हैं हनी अक्सर, हनी अक्सर। और हनी अक्सर में ये सारे शून्य समूह के तत्व या फिर 18वें समूह के तत्व जो अक्रिय गैसें हैं ये आ जाएंगे हनी अक्सर। ह से हीलियम, नी से नियान, अ से आर्गन, क से क्रिप्टन, स से जेनन, आर से र से रेडन। तो हनी अक्सर में ये समूह संख्या 18 के तत्वों को आप लिख सकते हैं। तो ये आप देखें एस ब्लॉक के तत्व हो गए, पी ब्लॉक के तत्व हो गए, इनकी कोडिंग हो गई। मुझे उम्मीद है आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा और अगर आप ये विधि अपनाते हैं तो बहुत आसानी से ये ट्रिक याद कर सकते हैं और आप पीरियडिक टेबल खुद से भी लिख सकते हैं। कुछ और चीज़ें हैं जो इस आवर सारणी में हम बताएंगे अभी आगे। अब आप देखो पहले डी ब्लॉक के तत्वों की कोडिंग बता दूँ। आप ध्यान दो, यहाँ हमने ऊपर से नीचे की तरफ इन तत्वों की कोडिंग बनाई, यहाँ भी पी ब्लॉक में भी बनाई, एस ब्लॉक में भी बनाई। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनका अध्ययन ऊपर से नीचे की तरफ किया जाता है और डी ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन लेफ्ट से राइट चल के किया जाता है, लेकिन इसमें चूंकि ज़्यादा तत्व हैं तो इनकी कोडिंग थोड़ी लंबी बनेगी और इनको आपको याद करने में थोड़ी सी असुविधा हो सकती है, इसलिए हमने इनको याद करने के लिए भी ऊपर से नीचे की तरफ ही दिशा में लर्निंग ट्रिक बनाई हुई है। तो ये ट्रिक हम पहले बता दें, बना दें, इसके बाद हम एफ ब्लॉक के तत्वों को लिखेंगे। तो पहले डी ब्लॉक के लिए हम यहाँ ट्रिक बना दे रहे हैं, इसके बाद हम एफ ब्लॉक के तत्वों को बनाएंगे। देखो आप तीसरे समूह के लिए है थर्ड ग्रुप, तीसरे समूह के लिए कोडिंग है एस सी अट्रे, एस सी अट्रे लेंथा एक्टी, एस सी अट्रे लेंथा एक्टी। एस सी से स्कैंडियम, अट्रे से अट्रियम, लेंथा से लेंथानम, एक्टी से एक्टिनियम, एससी से स्कैंडियम, एससी से स्कैंडियम, अट्री से अट्रियम, लेंथा से लेंथानम, एक्टी से एक्टिनियम। तो एससी, एट्री, लेंथा, एक्टी, ये तीसरे वर्ग के लिए हो गया कोडिंग। चौथे ग्रुप के लिए हम दिखा रहे हैं ग्रुप संख्या 4 है, फोर्थ ग्रुप में क्या कोडिंग होगी, टाइजर हाफ रदरफोर्डियम, टाइजर हाफ, टाइजर हाफ रदरफोर्डियम, रदरफोर्डियम, ठीक है। यह है चौथे ग्रुप के लिए कोडिंग, टाई से टाइटेनियम, जर से जर्कोनियम, हाफ से हाफनियम और इसके बाद रदरफोर्डियम। पांचवें समूह पे आ जाते हैं, अब कोड बहुत छोटे छोटे बनेंगे। अब देखो पांचवें समूह पे आप आओगे वेना टेंटा, वेनेडियम, नायोबियम, टेंटालम, वेना टेंटा क्रोमोटंग, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, मैटिक रेनी, मैग्नीशियम, टेक्नीशियम, रेनियम, आयरो आस, कोरो इरी, इसके बाद निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनके लिए किसी भी कोडिंग की जरूरत नहीं है, ये बहुत कॉमन से तत्व हैं और आपको
10, 11, 12 समूह के तत्व तो इसी तरह याद हो जाएंगे, याद होने चाहिए, निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम, कापर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मरकरी। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं पांचवें समूह के लिए, आप देखो फिफ्थ ग्रुप के लिए वेना टेंटा, वेनेडियम, नायोबियम, टेंटालम, और इसी के आगे सिक्स ग्रुप जोड़ दे रहे हैं, सिक्स ग्रुप में क्रोमोटंग। इसके बाद आप आ जाओ सेवेंथ पे, सेवेंथ ग्रुप मैटिक रेनी, और इसके बाद एट्थ ग्रुप पे आ जा रहे हैं, और आठवें समूह में आप देखो, आठवें समूह के लिए हम नाम देंगे आयरू आस, मैटिक रेनी आयरू आस। इसके बाद क्या है कोरोइरी, और ये है नवा ग्रुप, नवे ग्रुप के लिए क्या लिख दें कोरोइरी, ठीक है। फिर से धारा प्रवाह में पढ़ रहा हूँ, आप देखो एससी एट्री लेंथा एक्टी टाइजर हाफ रदरफोर्डियम वेना टेंटा क्रोमोटंग मैटिक रिनी आयरू आस कोरोइरी निकिल पैलेडियम प्लेटिनम कापर सिल्वर गोल्ड जिंक कैडमियम मरकरी। ये बहुत कॉमन सी धातुएं हैं, मेटल्स हैं। तो ये हो गया ग्रुप संख्या, सॉरी संक्रमण तत्वों के लिए ये कोडिंग हो गई। इससे आप संक्रमण तत्वों को बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। और अब बारी है लेंथानम और एक्टिनियम की, लेकिन उसको बताने से पहले हम मैजिक नंबर्स पे, जो जादुई संख्याएं हैं उस पे फोकस कर दें। तो ये मैजिक नंबर क्या हैं यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं, मैजिक नंबर। इतने सारे तत्व हैं, इनके परमाणु क्रमांक याद करना तो आसान नहीं है, एकदम नहीं है, लेकिन जब हम मैजिक नंबर्स को जान जाएंगे तो परमाणु क्रमांकों को, सभी तत्वों के परमाणु क्रमांकों को इजीली लिख सकते हैं। तो मैजिक नंबर आप देखो क्या है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये है मैजिक नंबर 2, 8, 8, 18, 18, 32। और इनको क्रमशः जोड़कर हम इन सारे तत्वों के परमाणु क्रमांक लिख सकते हैं। यहाँ हम एक झलक दिखा दे रहे हैं, आप देखो किस तरह से लिखेंगे। ये सबको पता है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक होता है, और इस एक के साथ हमको जोड़ना होगा दो, दो जोड़ेंगे तो लिथियम का 3 हो जाएगा, इसके बाद 8 जोड़ेंगे सोडियम का 11 हो जाएगा, फिर 8 जोड़ेंगे तो पोटेशियम का 19 हो जाएगा, फिर 18 जोड़ेंगे तो 18 जोड़ने पे रुबिडियम का हो जाएगा 8, 9, 17 और 2, 3, 37। इसके बाद फिर से 18 जोड़ेंगे, आप देखो सीजियम के लिए तो 8, 7, 15 और 3, 2, 5 55, और फ्रांसियम के लिए आप देखो 32 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 87। तो इस तरह से हम इनके इनके परमाणु क्रमांक जो याद नहीं हैं लिख सकते हैं। और देखो आप ये मैजिक नंबर जब हम केवल हाइड्रोजन फैमिली फर्स्ट एको और 18 को शुरू करेंगे तो ये मैजिक नंबर 2, 8, 8, 18, 18, 32 काम करेंगे। अगर हम दूसरे आवर से शुरुआत कर रहे हैं, आप देखो ये सेकेंड समूह है जिसकी शुरुआत दूसरे आवर से हुई है, तो यहाँ हम दो को छोड़ देंगे। वेरिलियम है, वेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है, इसके बाद हम दो नहीं ऐड करेंगे बल्कि क्या ऐड करेंगे 8, तो 8 और 4 मिलके 12, फिर 8 ऐड करेंगे, फिर 18, फिर 18, फिर 32। इस तरह से हमको इन सारे के परमाणु क्रमांक मिल जाएंगे। जब हम तीसरे आवर्त, ये तीसरा आवर्त था, जब चौथे आवर्त के तत्वों को लिखेंगे तो यहाँ हमको 2, 8, 8 इन तीनों संख्याओं को छोड़ देना पड़ेगा, ये प्रथम आवर्त के लिए, द्वितीय आवर्त के लिए, तृतीय आवर्त के लिए। हमको तीसरे आवर्त के तत्वों में क्या भरना होगा, अगर डी ब्लॉक के तत्वों का परमाणु क्रमांक लिखते हैं तो 18, 18 और 32 जोड़ेंगे। इस सीरीज के बाद, इस सीरीज के लिए 18, यहाँ के बाद 18, फिर 18, फिर 32 जोड़ के लिखेंगे तो इन सबके परमाणु क्रमांक हमको प्राप्त हो जाएंगे। अब चलो एफ ब्लॉक के तत्वों को हम बता दे रहे हैं,
ए ब्लॉक के तत्व क्या हैं और उनकी लर्निंग ट्रिक क्या है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इनको भी याद कर सकते हैं, इनके लिए भी लर्निंग ट्रिक है। पहले हम एफ ब्लॉक के तत्वों को यहाँ बना दे रहे हैं। तो चलो स्टूडेंट्स, अब हम दिखा दे रहे हैं लेंथानाइड एक्टिनाइड तत्वों को। इनको हम सामूहिक रूप से एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एफ उपकोषों में पूर्ण होते हैं। इनको हम सामूहिक रूप से इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, आंतरिक संक्रमण तत्व या अंतर संक्रमण तत्व भी कहते हैं। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स और ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और इनके लिए कोडिंग क्या है आप देखो, सिप्रे नियो पेसा यूरो गैटर डिस हो अरबी थूली अटरल यूटी। सिप्रे नियो प्रेसा यूरो गैटर डिसो अरबी थूली अटर ल्यूटी। हालांकि ये लंबा है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको, लेकिन आप मेहनत करें तो याद हो जाएगा। इसी तरह एक्टिनाइड के लिए आप देखो, थो प्रो यूरे ने प्लूटो अमर क्यूरी बर कैली आइन फर्मी मेंडे नोबेलारी। तो इस तरह से आप थो प्रो यूरे ने प्लूटो अमर क्यूरीबर कैली आइन फर्मी मेंडे नोबेलारी, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। ट्रिक अभी मैं लिखूंगा, लेकिन पहले तत्वों के नाम बता दूं। ये तत्व कौन कौन से हैं आप देखो, ये सीरियम प्रोटेक्टिनियम नियोडिमियम प्रोमिथियम समरियम यूरोपियम गैडोलिनियम टर्बियम डिस्प्रोसियम हाल्मियम अरबियम थुलियम अटर्बियम और ल्यूटिटियम। ये हैं एक्टिनाइड तत्वों को आप देखो, थोरियम प्रोटेक्टिनियम यूरेनियम नेपच्यूनियम प्लूटोनियम अमर्सियम क्यूरियम बर्केलियम कैलिफोर्नियम आइंस्टीनियम फर्मियम मेंडेलिवियम नोबेलियम और लॉरेंसियम। तो ये एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व हैं, इनके लिए कोडिंग हम लिख दे रहे हैं। सिप्रे सी से सीरियम और प्रे से प्रेसियोडिमियम, सिप्रे नियो ये है नियोडिमियम, सिप्रे नियो प्रोसा प्रोमिथियम प्रोसा और सा से समरियम यूरो गैटर गै से गैडोलिनियम और टर से टर्बियम डिस डिस्प्रोसियम डिस हो से होलनियम डिस हो आरबी थूली ये अरबियम हो गया, ये थूलियम हो गया, अटर ल्यूटी ल्यूटिटियम। देखो सिप्रे नियो प्रेसा यूरो गैटर डिसो अरबी थूली अटर ल्यूटी। इस तरह से आप लेंथानाइड तत्वों को याद कर सकते हैं। और एक्टानाइड के लिए कोडिंग बता दे रहे हैं, थो प्रो यूरे ने प्लूटो अमर क्यूरबर कैली आइन, लिख दे रहा हूँ इसको थो प्रो, थो से थोरियम और प्रो से प्रोटेक्टिनियम, यूरे से यूरेनियम, थो प्रो यूरे नेप ये नेपच्यूनियम के लिए, प्लूटो प्लूटोनियम के लिए, थोपो यूरे ने प्लूटो अमर अमरसियम के लिए, क्यूरी क्यूरियम के लिए, क्यूरीबर बर्केलियम के लिए, कैली कैलिफोर्नियम के लिए, आइन आइंस्टीनियम के लिए, फर्मी मेंडे नोबेलारी फर्मी मेंडे नोबे लारी। ठीक है, इस तरह से थो प्रो यूरे ने प्लूटो अमर क्यूरीबर कैली आइन फर्मी मेंडे नोबे लारी। इस तरह से ये ट्रिक याद करके हम एक्टिनाइड तत्वों को याद कर सकते हैं। लर्निंग ट्रिक तो बहुत सारे हैं यूट्यूब पे, लेकिन आप अगर थोड़ा सा मेहनत करें, थोड़ा सा वर्क करें, तो इस विधि से आसानी से आप सभी तत्वों के नाम याद रख सकते हैं और सभी तत्वों को आवर सारणी में भरना सीख सकते हैं। बाकी दूसरी ट्रिक से अगर आप सीखते हैं तो उन ट्रिक्स में तत्वों के नाम सीधे नहीं आते हैं, इन ट्रिकों में तत्वों के नाम एकदम सीधे सीधे आ जाते हैं। बोरा अलगा इंडी थैली, बोरा से बोरान हो गया, अल से अल्मीनियम, गा से गैलियम, इंडी से इंडियम और थैली से थैलियम। तो इस तरह से सीधे सीधे एलिमेंट्स के नाम आ जाते हैं। तो ये ट्रिक बहुत बेहतरीन ट्रिक है और आप इनसे तत्वों के नाम बहुत ईजिली याद रख सकते हैं। ये पूरे केमिस्ट्री में काम आने वाली है। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हो गई, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।